नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देशिया। विधान परिषद सदस्य प्रत्याशी स्थानीय मेरठ गाजीवास सीट से धर्मेंद्र भारद्वाज को एमएलसी चुनाव में विजयी बनाने के लिए जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल की अध्यक्षता में लोनी ब्लॉक की बैठक कानवा मैरिज होम पाभी में संपन्न हुई। आगामी 9 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज को जिताने का आह्वान किया, जिसमें लोनी विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने विश्वास दिलाया है कि हम लोनी विधानसभा से धर्मेंद्र भारद्वाज को बहुमत से विजयी बनाकर भेजेंगे। भारद्वाज जी, आपका वैसे प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे भाजपा के जो लगातार जो जीत आप देख रहे हैं और अभी 2017 भी आपके सामने गया, कैसा जो आगामी चुनाव में होगा? सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं उनके विश्वास को कायम रखूंगा और मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ के समान मानता हूँ। और जहाँ तक चुनाव की बात है कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वरूप बदला और भारतीय राजनीति पूरी की पूरी चेंज हो गई और वो भारतीय राजनीति का संदेश आज विश्व में जा रहा है। और उस संदेश में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े विश्व के जो देश हैं आज वो झुकने के लिए तैयार हो गए हैं। 2014 में जीते, 17 में जीते, 19 में जीते, 22 में जीते, तो भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल चुका है। दूसरी पार्टियाँ कहीं भी नहीं टिक पाएंगी और मुझे नहीं लगता आगामी 50-60 साल कोई भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक पाएगा। लोनी विधानसभा में लगभग 165 वोट हैं, कि कितनी वोट आप मतलब? ये तो आपने पूछने का विषय नहीं है। एक मजबूत विधायक, शक्तिशाली विधायक, जो ऐसे ऐसे लोग और समाज को, जिन समाज ने जो है यहाँ पे प्रतिपीड़ित करने का काम किया, उस समाज को भगाने का काम किया, क्या वहाँ एक वोट इधर से उधर जा सकती है? और अगर वो सत्ता में भी नहीं होते तब भी नहीं जाती। वो तो ऐसे विधायक हैं और ऐसे विधायक का मैं सम्मान करता हूँ और सभी क्षेत्र के जनता से ये कहता हूँ कि ऐसे सम्मानित विधायक को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए, जिसने समाज के लिए लड़ा, अपने लिए नहीं लड़ा। शिक्षित तो था, कहीं बाहर जाके नौकरी भी कर सकते थे, तो ऐसे व्यक्ति के खड़े होने से, और वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, मेरी साथ हैं। मुझे नहीं लगता 150 जितनी भी वोट है यहाँ पे एक भी वोट दूसरे प्रत्याशी को जाएगी। अगर हम बात करें चुनाव जीतने के बाद लोनी को किस तरह से आप फायदा? लोनी को मेरे भाई हैं विधायक जी, हमारी विकास निधि जो आएगी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हमारे जैसे कहेंगे उस हिसाब से हम विकास निधि का काम कराने का कष्ट करेंगे। और भगवान अगर पहले 12 तारीख को ये खुशी का लंबा आ जाए, पल आ जाए, उसके बाद में बैठ के योजना बनाएंगे कि भाई किस क्षेत्र में कितना विकास की बजट देना, तो वो बजट हम देंगे। और देखो एक बात है, हमारे सांसद हमारे हैं, हमारे विधायक हमारे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे हैं, हमारे पास विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, स्टेट गवर्नमेंट हमारी है, तो जो भी हमारे पास विकास की निधि आएगी उसको हम अपने 4 के 4 जिलों में लगाएंगे और जहाँ से अधिक वोट मिलेगी, जहाँ कम से कम भी मिलेगी, उसमें कोई हम भेदभाव का काम नहीं करेंगे।